Very good afternoon to all of you. दोस्तों शब्दों के इस सागर में भावनाओं की कुछ माला मैं आपके लिए पिरो कर लेकर आया हूं. किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था. कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था. खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था. खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था. कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में. वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था. दोस्तों लोग कहते हैं दिल का डॉक्टर है तो जरूर बातें दिल की ही करनी होंगी, लेकिन दिल की बातें ना भी हों तो हमारे दिल को छू जरूर जाए. दोस्तों आज से कुछ वर्ष पुरानी बात है. कैन आई हैव दी स्लाइड्स विच आर फंक्शनिंग? या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आज से कुछ वर्ष पुरानी बात है कि अपने मित्र के साथ मैं कहीं जा रहा था और उसने मुझसे बड़े मुस्कुराते हुए एक प्रश्न पूछा कि दोस्त एक बात बता, हाउ मेनी टाइम्स डू वी री इनकारनेट इन अवर लाइफ. उसके इस प्रश्न ने मेरे दिमाग के सारे जालों को साफ कर दिया. मेरी जिंदगी के 30 वर्ष एक कैमरे की फ्लैश की तरह मेरे आगे निकल गए और थोड़े समय बाद ही मैंने उससे मुस्कुराते हुए बोला कि एवरी टाइम आई थिंक न्यू आई क्रिएट अ न्यू थॉट आई री इनकारनेट इन माई लाइफ. दोस्तों हर एक नया विचार जिसको मैं पानी देता हूं वो मेरी जिंदगी का री इनकारनेशन का एक नया प्रोसेस होता है. वो मेरी जिंदगी को एक नया आयाम, एक नया दृष्टिकोण देता है. अपनी इसी जिंदगी की दो कहानियां आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं. दोस्तों These are stories of my hope, my belief, and my transformation. दोस्तों ये कहानियां केवल कहानियां नहीं है, ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं. एक पहला एक्सपेरिमेंट जो मैंने अपनी इनर लेबोरेटरी में किया और मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने अपनी कोर लेबोरेटरी में किया. और इन दोनों कहानियों के द्वारा मैं आज आप सबके आगे एक नया दृष्टिकोण, एक नया आयाम दोस्तों प्रस्तुत करूंगा. मुझे याद है जिंदगी का वो दिन जिसने मेरी जिंदगी को सदा के लिए बदल डाला. 20 मार्च 2003 शाम का समय 6 बजे, डेढ़ दिन बाद ऑलमोस्ट 38 केसेस ऑपरेट करके मैं घर पर आया था. उस समय हम लोग इसी प्रकार काम करते थे. जीवन में थकान थी, थोड़ा सा अनयूजुअल सा महसूस हो रहा था. करीब 7 बजे मेरी मदर ने मुझे खाना दिया, मेरा मन नहीं लगा, नहीं खाया मैंने. फिर उन्होंने मेरे हाथ में आइसक्रीम दे दी कि बेटा ये तो खाओ. 7:30 बजे मैंने हाथ में आइसक्रीम ली, केवल 10 सेकंड के अंदर वो आइसक्रीम मेरे हाथ से गिर गई और मैं फ्लोर पर कोलैप्स कर गया. मैं मैसिव सीजर्स थ्रो कर रहा था. उन्होंने मुझे लिफ्ट किया, हॉस्पिटल में इमीडिएटली इमरजेंसी में ले जाया गया. पूरी रात डॉक्टर्स ने मेहनत करी, मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया. अगले दिन मैं आईसीयू में था. मुझे होश आया, मेरे ब्रेन के स्कैन्स किए गए और मेरे ब्रेन में एक बहुत बड़ा मास, एक इन्फेक्टिव मास पाया गया. एक यंग डॉक्टर के लिए यह जिंदगी का अंत था. आफ्टर अ ड्रीम रन, जिंदगी में जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे और जिस प्रकार से चाहे मुझे सब मिलता जा रहा था, लेकिन दिस वॉज प्रैक्टिकली द एंड ऑफ माई लाइफ. दोस्तों डायग्नोसिस हुआ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस. अमेरिका में सैंपल्स गए, 19 दवाइयां उस समय इस बीमारी के लिए अवेलेबल थी. दोस्तों 18 ड्रग्स के लिए आई वॉज रेजिस्टेंट. एक इंजेक्शन मेरे ऊपर काम करता था, 16-16 टैबलेट्स में रोज खाता था. इंजेक्शन पहले हिप पर लगते थे, जब हिप्स ने जवाब दे दिया तो रोज डॉक्टर आते थे, आईवी लाइन लगाकर रोज मेरे को एक इंजेक्शन लगता था. 50% मैंने अपनी हियरिंग खोई. दोस्तों दर्द होता था लेकिन कभी भी दुख की महसूसता नहीं की. बुझते हुआ दीपक लगता था लेकिन कभी भी आशा को मैंने अपने जीवन में दोस्तों खत्म नहीं होने दिया. 20 जून 2005 मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ. आई थॉट एवरीथिंग इज फाइन नाउ, परफेक्ट. ऑपरेशन कामयाब रहा एंड आई थॉट आई हैव रिकवर्ड. मात्र 6 महीने बाद जनवरी 2006 दोस्तों मेरे ब्रेन के स्कैन्स जब दोबारा रिपीट किए गए, मेरे ब्रेन में एक और लेजन आ चुका था. इट वॉज एक्चुअली द एंड ऑफ माई लाइफ. मैं सोचता था वॉट विल आई डू. दोस्तों वही समय था जब मैंने सोचा कि ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स.
मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नया करना पड़ेगा। बचपन से ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता था और मैंने राजयोगा मेडिटेशन का एक साल जनवरी 2006 से अभ्यास मूलतः अपने ब्रेन के ऊपर फोकस करते हुए आरंभ किया। वन ऑफ द स्पिरिचुअल सीकर्स टोल्ड मी कि यूज द पावर ऑफ योर बिलीफ एंड मेडिटेशन ऑन योर ओन सेल्फ। दवाइयां खाता था, 14-14 टैबलेट्स उस समय भी चल रही थी, लेकिन आई स्टार्टेड ट्रीटिंग माय ब्रेन एज इफ आई एम नॉट इल। रोज मॉर्निंग में 3 से 4 बजे उठकर अपने आप को शक्ति देना, थॉट्स देना, पावर देना दैट आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मेडिसिन आर वर्किंग परफेक्टली ऑन मी, माय ब्रेन इज फ्री ऑफ डिजीज। इमेजिन अ साइंटिफिक डॉक्टर, अ कार्डियोलॉजिस्ट बैलेंसिंग द स्पिरिचुअल पावर ऑफ बिलीफ एंड मेडिटेशन इन हिज लाइफ, बोथ वर्किंग इन सिंक्रनी, बोथ वर्किंग एज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। दोस्तों जहां हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का अलग रोल है और साइंस का अलग रोल है, दोस्तों आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग बोथ ऑफ देम। लोग कहते थे इससे नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैड। आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई एम नॉट इल, आई एम परफेक्टली वेल इन माई लाइफ। एक साल तक दोस्तों मैंने इस चीज का अभ्यास किया। अप्रैल 2007 माई स्कैन्स वर अगेन रिपीटेड एंड दिस वॉज वॉट माई ब्रेन शोड, माई ब्रेन हैड कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ द डिजीज। दोस्तों योर पावर ऑफ बिलीफ, दोस्तों हमारे संकल्पों की शक्ति के द्वारा, हमारी मान्यताओं के द्वारा, हमारे थॉट पावर के द्वारा हम अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। वी आर मिरेकल्स आर अ नेसेसिटी ऑफ एवरीडे लाइफ। दोस्तों स्मूथ सीज आर नेवर गोइंग टू मेक अस वंडरफुल सेलर, अ स्किलफुल सेलर। आप सब लोगों के जीवन में भी दोस्तों चैलेंजेस आएंगे, आप सब लोगों के जीवन में भी समस्याएं आएंगी। उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो सकता है, वो किस व्यक्ति से आती है, किस परिस्थिति में आती है, ये डिफरेंस हो सकता है। दोस्तों छोटी या बड़ी उसका कोई भी साइज हो सकता है, लेकिन अगर हमें उस समस्या को जीतना है तो दोस्तों उस समस्या से हमें ऊपर उठना होगा, और उससे ऊपर उठने का केवल एक ही तरीका है, वो है हमारी मनोस्थिति, माय पावर ऑफ बिलीफ, माय पावर ऑफ माइंड। दोस्तों हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है। 50 ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी, आप सब यंग यहां पर बैठे हैं, 50 ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी, ईच सेल इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हर सेल अपने आप में एक सुंदर धुन प्ले कर सकता है, इट कैन प्ले अ ब्यूटिफुल म्यूजिक। बट दोस्तों जब एक सेंट्रल कमांड जाती है, जब एक सेंट्रल कंट्रोल जाता है, तो यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपनी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़कर एक सुंदर सिंफनी को प्ले करते हैं। हमारा मानव मन भी दोस्तों इसी प्रकार कार्य करता है। When a central command of my mind, from my soul, from my belief system, it goes, heal yourself. दोस्तों, every cell of our body, it loses individual intelligence and it creates a large amount of energy to create that healing power in you. You can reprogram your brain. Your thoughts can reprogram your brain. Today we have ample evidence that your brains can be rewired. This is what I did in my life. Non-acceptance. Continuously telling yourself that you have the power. It's like gymming. आप लोग शरीर के लिए जिम करते हैं ताकि आपका शरीर शक्तिशाली हो। दोस्तों इसी प्रकार आज हम सब लोगों को आवश्यकता है कि वी डू अवर ब्रेन जिमिंग, अर्थात वी मेक अवर थॉट्स सो पावरफुल एंड एम्पावर्ड दैट ईच वन ऑफ यू सिटिंग हेयर कैन डिजाइन योर ओन कॉन्शियस फ्यूचर। यू आर पावरफुल बीइंग्स, यू आर अमेजिंग इंडिविजुअल्स हु कैन बाउंस बैक फ्रॉम एवरी सिचुएशन बाय योर ओन थॉट पावर, योर ओन बिलीफ सिस्टम। दोस्तों So my first message to you today is, believe in the magic that you can create. Each one of you is destined for success, is programmed for success. Success is already on its way. It's only your thoughts, it's only your weak mental power that makes you far away from success. You have the power to create magic in your life. Dosto, mera jeevan isi prakar chal raha tha. It was such a wonderful life. And suddenly, the second incident that happened in my life was on Saturday evening, 2018, November. It was 9 p.m. in the night. We were almost winding the work of my cath lab. And suddenly, there was a lot of noise outside my cath lab. And a young 21-year-old boy, a married boy, was brought inside my lab. He was dead. No heart rate,
no blood pressure. He was being resuscitated. There was a lot of noise. And when we checked his reports, he had a massive myocardial infarction, massive heart attack. We had nothing to lose. We took him on the table, on the massage, put him on an artificial support system, and ultimately, I operated him almost for an hour. We were able to reopen his artery, see his heart beating again, see his blood pressure picking up, and he was revived. Next day, he was shifted to the ICU in the recovery room, and he was conscious. But one thing that was bothering me was that why did this young guy had a heart attack? He's a non-smoker. He's a non-diabetic. There are no risk factors. Lipids normal hain. Isko heart attack hua kyun hai? 21 saal ka young ladka. I went on the rounds. He was extubated. Maine kaha, beta, mujhe aapke parivar se baat karni hai. His parents came there. I said, I don't want to talk to you. Mujhe bataiye ki ye married hai. I want to talk to his wife. Unhone kaha, nahi, aap humse hi baat kariye, hum hi baat karenge. Maine kaha, nahi. I want to talk to his wife. His father took me separately and said, ki, sir, I would like to share that this boy and this girl also have a child of 4 months. 4 saal ki uski bachi thi. But they are not in talking terms. They are on the verge of divorce. Ek mahine baad inka divorce ka case and they will be separated. Maine kaha, aap meri vinti unse tak pahunchaiye ki main usse milna chahta hoon, us ladki ko yahan bulaiye. The girl was wise, wo wahan par aayi. Dosto, maine unko baith kar baat ki. Jeevan mein choti-choti baatein, lack of understanding. Wo chartered accountant tha, wo IT professional thi. I counseled both of them. Small misunderstandings was leading to this kind of a situation in their life. Maine usse kaha ki, aap bhale, you go ahead with whatever you want, but ek cheez aap mere kehne se kariyega. Unhone kaha, bataiye sir. Maine kaha, aap agle 3 mahine ke liye, apne husband ko haath pakad ke meri OPD ke andar Tuesday ko lekar aaiye. Keval 3 mahine ke liye. Aur aapas mein ek dusre ke saath adjust kariye mere kehne se. Just start accepting each other. She said, ki sir, aap bol rahe hain to main zarur karungi. Doston, wo 3 mahine tak har hafte apne husband ko mere paas leke aati thi. Aaj 4 saal ho gaye hain, unki bachi 4 saal ki ho chuki hai doston. Unke divorce paper wapas ho chuke hain and they are leading a absolutely healthy and a perfect life. This is the magic that, dosto, we can create. This prompted me. This prompted me to conduct scientific experiments in our lab. Ki aap jaise young bachchon ko, jinko main dekhta hoon, 33% mere heart attack ke patients, 150 case mein operate karta hoon ek hafte ke andar, unko heart attack hota kyun hai? We started conducting amazing experiments, jisme humne in bachchon ko apni studies mein enroll kiya, dosto. 18 se 30 varsh ki umar, imagine kariye. Diabetes nahi hai, smoking nahi karte hain, lipids normal hain. हमने इनके तनाव, इनके स्ट्रेस फैक्टर्स को दोस्तों मेजर किया, इनको तनाव कितना है, और साथ में वी आल्सो मेजर्ड देयर जेनेटिक लेंथ, यानी इनकी बायोलॉजिक एज, क्रोमोसोमल लेंथ कितनी थी. रिजल्ट्स वर रिवीलिंग. दोस्तों, रिजल्ट्स में देखा गया, इन बच्चों की जो शारीरिक उम्र थी वो थी 18 से 30 साल, लेकिन जब हमने इनकी जेनेटिक एज को स्टडी किया, इन बच्चों की जेनेटिक एज थी 60 से 90 साल के व्यक्ति के बराबर. देयर जीन्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. द सेकेंड क्वेश्चन दैट केम टू माय माइंड वाज, व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये हो क्यों रहा है? कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है. हमने जब उनके साइकोसोशल स्ट्रेस को मेजर किया, दीज यंग प्रोफेशनल्स हु हैड अचीव्ड एवरीथिंग इन देयर लाइफ, 6-digit salary, doing, having a good car, a good home, दोस्तों, they had highest level of psychosocial stress, anger, lack of love, lack of purpose, that was present in their life. फिर मैंने सोचा, अगर है भी तो how does it differ? इससे फर्क क्या पड़ना है body में, दोस्तों? We conducted further experiments to see that those people who lack love in their life, who lack purpose in their life, who are having poor family relations, unki telomerase enzyme, dosto, kam ho jata hai, aur unki chromosome length destroy ho jati hai. Whereas, jo log jeevan ke andar khush rehte hain, they have happiness, they have gratitude, they have positive outlook towards life, they are the people whose health, whose telomere length is maintained, dosto. That is why it is very, very important for us to have a life not only which is high tech. आज टेक्नोलॉजी बेस्ड दोस्तों हम लोग चलते हैं, बट गॉन आर दोस टाइम्स. टुडे इज द टाइम दैट वी शुड इनकलकेट हाई टच इन आवर लाइव्स, कंपैशन इन आवर लाइव्स, लव इन आवर लाइफ, जॉय इन आवर लाइफ. वी शुड लिव अ लाइफ ऑफ
personal fulfillment. We are in a phase of personal pandemic mismanagement, दोस्तों. It's a pandemic. जहां सब कुछ होते हुए भी आज हमारी जीवन में दोस्तों सुकून नहीं है. इतना सामान हम लोगों ने इकट्ठा किया है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जितना सामान हमने इकट्ठा किया है, क्या उतना सुकून, उतना सुख भी आज हमारे झोले के अंदर है दोस्तों? अपने आप से पूछ के देखिए. टुडे इफ वी वॉन्ट टू लिव अ लाइफ विच इज फुलफिल्ड, वी वॉन्ट टू लिव अ लाइफ विच इज फुल ऑफ जॉय एंड प्लेजर दोस्तों, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड to live a life of joy and happiness. It's not a destination, दोस्तों, it's a journey. खुशी एक हमारी destination नहीं है दोस्तों, जीवन में हर पल खुशी को हमें create करना है. It's only a matter of our choice. हम अपने जीवन का दिशा निर्देश किस प्रकार से करते हैं? What are the conscious choices that we are creating? दोस्तों, आज जीवन जो हमारी जलेबी की तरह उलझ चुकी है, we are just spiraling around and around and around, और इसमें हम लोग उलझते चले जाते हैं. और कभी कभी मैं मजाक में बोल भी देता हूं कि अगर जब हमारी जिंदगी जलेबी सी उलझ ही चुकी है, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, जीवन में कुछ मिठास दोस्तों भर ली जाए. दोस्तों, इस जिंदगी के इस स्पाइरल के अंदर जहां हम लोग फंसे हुए हैं, इस स्पाइरल का मुख थोड़ा सा घूम दीजिए और डोंट स्पाइरल इन योर लाइफ. बट माई सेकेंड मैसेज टू यू इज इवॉल्व इन दिस स्पाइरल. इस जिंदगी के स्पाइरल से बाहर निकलते हुए आइए. कठिनाइयां रहेंगी, कष्ट रहेगा, परेशानियां रहेंगी दोस्तों, लेकिन जब मन हमारा कमजोर होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है. जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती हैं दोस्तों, लेकिन जब मन हमारा सशक्त होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती हैं. हर परिस्थिति को अपने जीवन में एक अवसर बनाइए. हर परिस्थिति, हर चैलेंज को अपने जीवन में एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्रिएट करिए और एक तूफान की तरह बाहर निकलते हुए अपनी जिंदगी को डिजाइन करिए, अपने कॉन्शियस फ्यूचर को दोस्तों क्रिएट करिए. दोस्तों, अंत में कुछ शब्दों से अपने इस बात को आपके सामने अंत करूंगा. दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती. मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है दोस्तों, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती. दोस्तों, जीवन का नाम केवल मुस्कुराना है. आप सोचो कि कोई व्यक्ति आपके पास कष्ट में आता है, कोई व्यक्ति दुखी आता है, दोस्तों आपके मन की मुस्कुराहट, आपके मन के संकल्प, आपके चेहरे की पावरफुल वाइब्रेशंस और खुशी जब उस रेगिस्तान रूपी मन के अंदर दो पल खलकती हुई मिठास की बूंदें डाल देते हैं, तो उसके जीवन के अंदर तो दोस्तों हरियाली आ जाती है, उसका मन सुकून से भर जाता है. और यही जीने का सच्चा नाम है दोस्तों. अगर आज आप अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हो तो समय आज है दोस्तों. आज एक बात सदा अपने जीवन में ध्यान रखना मेरे दोस्तों, वो है कि आज का ये दिन, टुडे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आपका ये जीवन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा. और आप इस जीवन को, इस दिन को कितना सुंदर बनाना चाहते हो, इसका औचित्य, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं दोस्तों, आप सबके ऊपर होगी, आपके अपने ऊपर होगी कि आप अपने भविष्य के ऊपर कैसा निर्माण करते हो, अपने भविष्य से क्या निकाल कर लाते हो. दोस्तों, एक बार ये कुम्हार ने बहुत सुंदर चिलम बनाई और उसने उस चिलम को तोड़ दिया और उस वो मिट्टी उससे बोली कि कुम्हार, तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई और तूने उस चिलम को तोड़ क्यों दिया? तो कुम्हार बोला कि माटी, मेरा मन बदल गया, अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब तो मैं एक सुराही बनाऊंगा. तो मिट्टी उससे मुस्कुराते हुए बोली कि हे कुम्हार, तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई. उसने कहा, ऐसा क्यों बोलते हो? तो मिट्टी उससे बोली कि कुम्हार, तू पहले चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल डाल दूंगी. दोस्तों, क्रिएटिंग योर ओन कॉन्शियस फ्यूचर, आपके भविष्य का निर्माण आप सबके हाथ में है दोस्तों. जब आपका संकल्प चेंज होता है, व्हेन योर थॉट्स चेंज, आपकी दृष्टि चेंज होती है. जब आपकी दृष्टि चेंज होती है तो आपकी कृति चेंज होती है, आपकी वाणी चेंज होती है, आपकी संस्कृति चेंज होती है. और जब आपकी संस्कृति चेंज होती है दोस्तों, तो आपकी सृष्टि भी चेंज हो जाती है. दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ कॉन्शियस फ्यूचर. शुक्रिया, बहुत बहुत.